आधारित जाति के बाद क्या आप क्या कहते हैं? जाति है, हिंदू धर्म में जाति है ना, सिटी दे रही है और उसको रोकने के लिए बोल दिया और उसने रोक दिया, क्योंकि भाई अक्सर जो है ना चढ़ाने वाले गाड़ी को पहले देते हैं जगह ताकि भाई उसको प्रॉब्लम ना हो। बिस्किट है इधर, बिस्किट है, पानी की बोतल है, ये सभी चीज लेकर के आए हैं भैया लोग। चूड़ा और चीनी अपने पास था, वो मैंने मिक्स कर लिया है और इस पानी के साथ भिगा करके और सब लोग खाने के लिए रेडी है। जी नमस्कार, हर हर महादेव आप सभी लोगों को। सुबह के भाई 7 बज गए हैं और अभी हम लोग यहीं पे स्टे किए हुए थे रात को और अभी तक भाई निकले नहीं है। रीजन है कि बहुत ज्यादा भाई जंगल है इस कारण से, तो अब हम लोग थोड़ी देर में टेंट को पैक वैक करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। और भाई मैं पहले देखता हूँ साइकिल मेरा सलामत है या नहीं, भाई सब सामान ओके है। बहुत मुझे डर लग रहा था क्योंकि भाई यहाँ पे ना बहुत सारे यहाँ पे शराबी लोग शराब उड़ा पी रहे थे। बगल में होटल है, देख रहे हो आप, ये भाई पूरा नॉन वेज होटल है इस कारण से, और यहाँ पे ही टेंट लगाया था हम लोगों ने। फ्रेश व्रेश होते हैं, थोड़ा अपना कोलगेट जीविया ये सब भी ले लेते हैं और फिर वहाँ से भाई निकलते हैं। भाई नाइट को ना 1:30 बजे के आसपास सोया था क्योंकि थोड़ा सा डर जैसा लग रहा था, पर उतना कुछ खास नहीं था भाई। यहाँ पे कार्तिक भैया का टेंट था तो भैया अब यहाँ पे फोल्ड कर चुके हैं। भैया जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तो अब यहाँ से टेंट को फोल्ड करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, ठीक है भैया। तो भाई जस्ट सामने होटल है, चलते फ्रेश व्रेश होते हैं। तो भाई फ्रेश होके आ चुका हूँ और अपना साइकिल है ना पूरा वॉश से भीग चुका है और भाई ने टेंट अपना फोल्ड कर लिया अपना, बाकी है फटाफट से टेंट फोल्ड करते हैं। जाति के बाद क्या आप क्या कहते हैं? जाति है, हिंदू धर्म में जाति है ना, वो गलत है, वो गलत है। ये जाति हमने बनाया, हमने और आपने बनाया अपने पेट के वजह से। अगर हमें जब इंसान को भूख लगती है। तो भाई अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आज जो है कार्तिक भैया और हम सब लोग भाई साथ में चलेंगे पैदल पैदल, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा जंगल है इधर कारण से, 20-25 किलोमीटर के आसपास है तो पैदल ही चलना पड़ेगा। साथ में आज पैदल चलते हैं भाई, आज मेरी पैदल यात्रा रहेगी। तो यहाँ से 22 किलोमीटर का पूरा जंगल है, उसको पार करना है हम लोगों को, तो आज भाई के साथ में पैदल पैदल ही पार करेंगे हम लोग। थोड़ी सी एक दुकान मिल गई भाई यहाँ पे बीच में, तो चाय या कुछ भी भाई मिल जाए वो हम लोग नाश्ता वास्ता कर लेंगे क्योंकि 9 बज गए हैं। तो देखते हैं क्या कुछ मिल पाता है, और भैया ने शायद चाय के लिए बोला है। और खाने में भाई ये सब चीज़ें इधर की क्या क्या चीज़ें मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। इस जितने चीज़ें देख रही हैं ना भाई सब में एक डला हुआ है, सब नॉन वेज है भाई। जंगल में पता है सबसे ज़्यादा टेंशन किस बात की है? सबसे ज़्यादा है ना भाई एलिफेंट्स की, हाथी यहाँ बहुत ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर यहाँ पे बाघ है भाई साहब। और ये बहुत घना जंगल है और हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि कार्तिक भैया साथ में है, मैंने आपको बताया था। और ये जंगल देखो भाई कितनी तगड़ी घनी है भाई साहब, और ये फॉरेस्ट विभाग का है ऐसा छोटा सा ऑफिस जैसा बना हुआ है। पैदल पैदल हम लोग जा रहे हैं, अभी भी यहाँ से 20-25 किलोमीटर का है, पार करा देते हैं और फिर हम लोग आराम से चलेंगे भाई। एक ट्रैवलर को काम नहीं आएगा तो भाई समझ रहे, अच्छा नहीं है फिर, ऐसे हर कोई समझ जाता भाई एक ट्रैवलर की जो क्या मजबूरी होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो भाई मैं अभी इधर से आया हूँ और इधर की साइड मुझे जाना है, और भाई यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ दिखा है और इसमें भाई रेड और ब्लैक भाई यहाँ पे पता नहीं झंडा लगा हुआ है किस चीज़ की, मुझे तो पता नहीं, अगर आप लोगों को कुछ पता है तो ज़रूर से बताना भाई। अब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, पता नहीं ये इंडिया है या भाई दूसरा देश है, मैं आ गया कुछ समझ नहीं आ रहा। ये रेड और ब्लैक जैसा लगा हुआ है और ये सभी झंडे हैं भाई, पता नहीं क्यों भाई। 1.5 घंटे तक ना भाई रेगुलर साइकिल को भी घेंचते रहूँ चढ़ाते रहूँ और भाई हालत ख़राब हो गया है और बहुत कस के भूख लग गया है। तो खाने के लिए अपने पास वो चूड़ा था कल, उसका यूज़ किया जाएगा। चूड़ा और चीनी अपने पास था, वो मैंने मिक्स कर लिया है और यहाँ पे भाई लगा दिया है और इस पानी के साथ भिगा करके और सब लोग खाने के लिए रेडी है। लेकिन भाई मुझे वीडियो बनाना था इसके लिए, भाई सबको मैंने रोक दिया है कि अभी नहीं खा सकते, जब वीडियो बन जाएगी उसके बाद ही खाएंगे। बनाओ वीडियो बनाओ भाई। हाँ हाँ, तो भाई खाते हैं। भाई नाश्ते तो हो गए, अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत आगे जाने हैं। तो चलिए 5 किलोमीटर बस ऐसा भाई, पूरा बचा ही है हम लोगों का जंगल, अभी पता नहीं है जंगल में ही गुजारना नहीं पड़ जाए। ढलान तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये है भाई टाइगर रिजर्व, और यहाँ से ढलान होगी स्टार्ट पता नहीं 8 किलोमीटर का या 10 किलोमीटर का, और बाकी आप ये बोर्ड पे देख लो भाई क्या है इसका, ये भाई फोटो लगा है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। इतनी हाइट के ऊपर हूँ कि यहाँ से पूरा ऐसा लग रहा है फॉग लगा हुआ है भाई, ये पहाड़ भी ढंग से नहीं दिख रहे, ये देखो आप, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये चीज़ देखो भाई, इस बंदर को देखो 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 भाई 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 देखो, भाग गई भाई। एक बार इस नज़ारे को देखो, कितना प्यारा लोकेशन है भाई। और हम लोग को बहुत नीचे जाना है भाई, ढल करके लगभग 10 किलोमीटर के आसपास,
और भाई गाड़ी बहुत ज्यादा चल रही है, ये तो मानना पड़ेगा। एक भाई आए थे जो फोर व्हीलर से जा रहे थे, तो पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो हम लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे यात्रा कर रहे हैं। तो भाई इस जगह पे ना गाड़ी को यू टर्न लेके वो गए पीछे और बोल रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक पानी ये सब, मतलब वो बोल रहे थे कोल्ड ड्रिंक चलेगा भाई, तो मना कर दे कोल्ड ड्रिंक नहीं चलेगा, बाकी पानी चिप्स बिस्किट ये सब लाने के लिए भाई पीछे गए हैं। पता नहीं अब कहाँ तक जाएंगे, 5-6 किलोमीटर पीछे एटलीस्ट हमको जाना ही पड़ेगा, और वहाँ से भाई अभी रिटर्न लेके आएंगे। तो रास्ते में ऐसे ऐसे लोग भाई बहुत हेल्प करते रहते हैं, मतलब 5% ऐसे जरूर होते हैं भाई कि बहुत अच्छे से आपको दिल से सहायता करने की भाई उनकी इच्छा रहती है, करते हैं। तो भाई कितनी खड़ी चढ़ाई है ये आप अंदाज़ा लगा लो, ये देखो सीढ़ी ऐसा बना हुआ है ये, और भाई इधर से सिर्फ ट्रक आ ही रही, ज़्यादातर जा तो नहीं रही है भाई, क्योंकि अचानक से चढ़ाई है मोड़ पे, तो वहाँ पे चढ़ना बहुत मुश्किल है ट्रक के लिए, खाली है को तो भाई चढ़ा देगा वो। भैया लोग गाड़ी से आ गए और सामान वामान कुछ लेके आए खाने वाने के, देखते हैं क्या सब है। भाई लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, ब्रेक लग रहे एकदम ऐसे के हर महादेव भैया। अभी बिस्किट है इधर, बिस्किट है, पानी की बोतल है, ये सभी चीज लेकर के आए हैं भैया लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो देखिए कुछ इस प्रकार से भी लोग हेल्प करते रहते रास्ते में, कितना खाली खाली है। अभी भाई 1 बज गए और पता नहीं अभी कितने टाइम लग जाएंगे इन पहाड़ों को क्रॉस करने में, इन जंगलों को क्रॉस करने में। ये चढ़ान देखो कितनी गाड़ी जो है ना कितनी मोड़ करके और यहाँ से भाई ले जा रही है, देखो ये देखो भाई पूरा कोना पर लेकर जा रहा है और फिर भाई टर्न लेकर के आगे की तरफ जा रहा है। और भाई इधर का सिटी जो ना मारते हैं ना बहुत गजब भाई, बहुत शोर करती बहुत ज़्यादा, और जब भी उधर से कोई आएगी ना चढ़ान के लिए तो उधर से ही भाई सिटी दे देगी। जैसे अभी देखो यहाँ पे एक गाड़ी उधर से आ रही है और इधर से, ये भाई पूरी सिटी दे रही है और उसको रोकने के लिए बोल दिया और उसने रोक दिया, क्योंकि भाई अक्सर जो है ना चढ़ान वाले गाड़ी को पहले देते हैं जगह ताकि भाई उसको प्रॉब्लम ना हो, और वो वहीं पर रुका है। और ये पार करने के बाद फिर वो गाड़ी अब आएगी, देखो अब ये गाड़ी आने लगी। तो भाई कुछ इस तरह से जो है ना पहाड़ों को पार करते हैं, ट्रक के लिए बहुत मुश्किल है भाई, अगर एक्सपीरियंस बनता नहीं है ना तो सब बहुत प्रॉब्लम होती है चढ़ान पे भाई साहब, पहाड़ों में चलाना तो और भी मुश्किल होता है ट्रक के लिए। और भाई जस्ट सामने देखो क्या ही खतरनाक व्यू आ रहा है भाई, देखो 2:20 हो गया है और इस वक्त भाई मैं पूरा नीचे उतर गया हूँ आगे की ओर जा रहा हूँ, ये पूरा जंगल है। भाई अभी मैं यहाँ पे रुका हुआ था अकेले और भाई लोग पीछे रुके हुए, तो यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आई थी और पता है उसने बोला कि भाई जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मतलब रुकना मना है, मतलब चलते रहना है, एक जगह पे रुकना नहीं इस जंगल में। भाई ये जो आप ब्रेकर देख रहे हो ना, इस जंगल में हर 100-200 मीटर पे ऐसा ब्रेकर दिया हुआ है, और आप ये समझ रहे होंगे कि भाई इस बीच जंगल में 100-200 मीटर पे ब्रेकर देने की क्या रीजन है, तो आप समझ सकते हो भाई, ताकि कोई गाड़ी स्पीड ना जाए जिससे कि किसी जानवर को भाई नुकसान मतलब ना हो पाए, अगर स्पीड जाएंगे तो कोई जानवर रहेंगे उसको टक्कर वक्कर लग जाएगी, इस कारण से हर 100-200 मीटर पे ना ये ब्रेकर दे रखी है भाई। यहाँ पे देखो भाई टाइगर की लगा हुआ फोटो, टाइगर रिजर्व, और आगे भाई चेक पोस्ट है। भाई सुबह जो खाया था चूड़ा चीनी, उसके बाद अभी आ गया हूँ खाने के लिए होटल पे, एक जैसे ही भाई जंगल क्रॉस किया हूँ तो ये ढाबे मिल गया, यहाँ पे ढाबे नहीं छोटा सा होटल है, देखते क्या सब आता है, पता तो लग गया है। तो भाई खाने में मिला है चावल दाल पापड़ और ये कुछ सलाद जैसा कुछ है, बस सब्जी उब्जी नहीं है, तो भाई सब लोग खा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक छीन लिया हम लोग हाथ से पी रहे थे, देखो 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 भाई लेकर, तो भाई नीचे गिरा करके कोल्ड ड्रिंक, देखो 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 भाई देखो देखो कैसे गिरा रही है, और अरे अरे भाई ये क्या कर रहा है, ना नहीं पी पाया और पूरा नीचे गिरा दिया वो, तो भाई देख रहा है। तो भाई अभी रात के 6:30 हो गए और भाई मैं जहाँ पे दिन में रुका हुआ था उसके जस्ट बगल में ही मतलब एक मंदिर था, और भाई कैसे कैसे जुगाड़ बना है, मतलब महादेव की इतनी कृपा हो जाती है क्या बताऊँ। तो मंदिर पे तो सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन जस्ट बगल में ही वहाँ पे जहाँ पे मैं रुका हुआ था बस स्टॉप पे, वहाँ पे मैंने अभी टेंट लगा रखा है, वहीं पे टेंट लगाया। और भाई यहाँ पे बिहार के अपने 2-3 भाई जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे यहाँ पे वर्क करते हैं, उनसे मतलब मुलाकात हुई, कोई दूसरे लोगों ने बताया कि आपके बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, फिर उन्होंने बताया कि मंदिर के ट्रस्ट के साइड से यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था है, यहाँ पे आप नहा सकते हो और कपड़े वपड़े जो साफ़ करना है वो सब चीज़ कर सकते हो। तो भाई अभी मैं बढ़िया से नहा के फ्रेश व्रेश हो गया हूँ, कपड़े उपड़े मैं सब धुल दिया हूँ और भाई लोग अभी नहा रहे हैं। तो भाई उस टाइम बोलते बोलते ना फोन स्विच ऑफ हो गया, चार्जिंग था इस कारण से, हाँ। तो उस टाइम मैं ये बता रहा था कि ये पूरा फॉरेस्ट विभाग के अंदर में आता है, यहाँ से 13 किलोमीटर दूर जाएंगे भाई, उसके बाद आएगा मतलब फॉरेस्ट विभाग का जो एरिया है ना ये ख़त्म होगा,
तो बस यहाँ पे मैंने किसी तरह टेंट लगा दिया यहाँ पे, ये यह भाई बस स्टॉप, और भाई पूरा सन्नाटा हो गया, बहुत कम ही लोग, एक दो नज़र आएंगे और बाकी दुकानें तो खुला हुआ है। तो बस किसी तरह से आज भाई एडजस्ट करते हैं यहाँ पे, और नहाने वाने की सारी व्यवस्था होगी भाई धीरे धीरे, जैसे बात करते ना सब व्यवस्था हो जाती है, तो सब चीज़ हो गई है। बाकी अपना टेंट भी यहाँ पे लग गया है, और खाने वाने की व्यवस्था तो बस होटल है यहाँ पे, खाएंगे। इस ब्लॉग में इतना ही, आगे की ब्लॉग में दिखा करेंगे कर्नाटक की सीरीज में भाई सभी चीज़ें दिखाएंगे आपको, तो ब्लॉग में जरूर से बने रहना, और कोई भी कमी लगे कोई भी दिक्कत लगे तो भाई आप जरूर कमेंट करना ताकि मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, अगर ब्लॉग पसंद आया तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो करिएगा भाई इंस्टाग्राम पे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड बाय बाय, रेड महादेव, जय श्री राम।